पहले उनके मुकदमे वापस किए जाए, उनको तुरंत रिहा किया जाए बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, उनको जो मृतक है जिनको मार दिया है लोगों ने, गोली में भून दिया है सामाजिक तत्वों ने और पुलिस ने मिल के मारा है, उन आदमियों को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और कम से कम एक आदमी को उसके परिवार में से नौकरी तुरंत दी जाए 1 महीने के अंदर। सरकार नहीं मानती तो क्या करेंगे? नहीं मानती तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। यदि उनको जो और अभी जो पकड़ धकड़ शुरू हो रखी है उसको तुरंत रूप से बंद किया जाए, हमने अनाउंस कर दिया है। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बता दिया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग सब पार्लियामेंट से हट करके हम लोग इकट्ठे होंगे विठल भाई पटेल हाउस पे। विठल भाई को गिरफ्तारी देंगे 14 तारीख को बाबा साहब के जन्मदिन के बाद, हम सब लोग इकट्ठे होके पार्लियामेंट हाउस के बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट फिर हम इकट्ठे होकर के जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और आज ये फैसला पंचायत में लिया गया है। आज अम्बेडकर भवन पे पंचायत में पंचायती फैसला है कि हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। यदि उन लोगों को जो पकड़े हैं उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए, उनको रिहा नहीं किया गया, जो लोगों को पकड़ दगड़ जारी है उस पर ये पकड़ दगड़ तुरंत बंद नहीं हुई, तो ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। लोगों को 5 एकड़ जगह, उनके परिवार को जो कमाने वाला चला गया है उसके परिवार को 5 एकड़ जगह, 1 करोड़ रुपया उनको दे रहे सरकारी नौकरी, उनमें से घर में जो भी पोस्ट बिल है वो जो भी वहाँ कैंडिडेट है उसको 1 आदमी को नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग मुख्य मुख्य है। मांग तो और भी बहुत है लेकिन मुख्य मांग हमारी यही है, और यदि वो नहीं करेंगे तो हम पूरा जेल भरो आंदोलन 14 अप्रैल से शुरू करेंगे, वो पार्लियामेंट के जो संसद मार्ग है उसके पास से शुरू होगा। हम लोग सर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाद सब इकट्ठा होंगे विठल भाई पटेल हाउस के। बीजेपी नेताओं से उम्मीद है कुछ मदद मिल पाए? मदद क्यों नहीं देंगे, मारेंगे वो तो मदद नहीं देंगे तो हम उसका बदला लेंगे, हम किसी को छोड़ने वाले थोड़े ही हैं। हमारे पास भी वोट का राइट तो कम से कम है, और भी राइट नहीं है, ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वोट का राइट भी इनसे छीन ले। जो छीनने वाले हैं हम उनको एक एक को आदमी को सड़कों पे देखेंगे, जो इस तरह की अपनी योजना बना रहे हैं कि भाई हम लोग चले और उन मशीनों को हम तोड़ तोड़ के जो पत्थर पे मार मार जमीन पे मार मार करके उन मशीनों का हम सत्यानाश करेंगे। बैलेट से वोट नहीं पड़ेगा, वोट हम लोग मशीनों को तोड़ेंगे। हमने पूरे देश में हिदायत दे दी है कि यदि सरकार भारत सरकार व्यवस्था नहीं करती है बैलेट पेपर का तो हम उसको मशीनों को तोड़ेंगे, ये हमारा। तो ये भगवान जाटव में जिनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो जेल भरो आंदोलन करेंगे, बैलेट तोड़ेंगे और